बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हाफिज़ फैज़ान अहमद एंड यू आर वाचिंग लाहौर रियल एस्टेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट मंथ हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम आज से पहले दो प्रोजेक्ट्स का जो है हम कवर कर चुके हैं। आज हम पर्टिकुलरली DHA मुल्तान को कवर करेंगे। इसमें जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मिस्टर सलमान मकसूद जो हैं मौजूद हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से DHA मुल्तान लॉन्च हुआ है तब से अब तक जो है वो इसमें डील कर रहे हैं। वन ऑफ़ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन आवर एजेंसी। आज हम इनसे जो है DHA मुल्तान से रिलेवेंट जो भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे क्लाइंट्स के, ओवरसीज़ क्लाइंट्स के, जो हमसे पूछे जाते हैं, हम उनसे इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मिस्टर सलमान की जानिब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले हमें जो DHA मुल्तान की लोकेशन है उसके हवाले से हमें ब्रीफ करें कि DHA मुल्तान जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो कैसी लोकेशन बनती है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। थैंक यू वेरी मच फजान। ये DHA मुल्तान जो लोकेटेड है, इसमें अभी मल्टीपल एक्सेसिज हैं। जो डे फर्स्ट में आई थी, जो हमें बताई गई थी, वो बोसन रोड से थी, लेकिन अब इसको आपको ये MPS रोड से भी एक्सेस है, मेटिटल रोड से भी एक्सेस है, इवन N5 से भी इन्होंने एक्सेस दे दी हुई है। इस टाइम इसको आप शहर से बाहर से आ रहे हैं या विद इन शहर आ रहे हैं, कैंट से आ रहे हैं, मॉडल टाउन से आ रहे हैं, उन्होंने उस हवाले से उसको मल्टी एक्सेस कर दिया हुआ है, ताकि आपको आने जाने में शहर में आप या और बाहर से आ रहे हैं, मोटरवे से भी आ रहे हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाए और ईजीली अप्रोच हो। ना सिर्फ ये मोटरवे एक्सेस से, इसमें मुल्तान को जो सफ़र है, जिसने बोसन रोड पर आना है उसको मुल्तान में आएगा, उसको बोसन रोड बजाय वो 45 मिनट में अंदर शहर से आए, वो 15 मिनट में बोसन रोड पर पहुंच के आगे कैंट में भी जल्दी जा सकता है। तो जो किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, इसमें रेलेवेंट DHA मुल्तान ने उसको बिल्कुल कंसिडर करके जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोचेस थी, जहाँ पर मुल्तान लोकेटेड है उसमें उन्होंने उसको बेस्ट और एक्सेसिबिलिटी दी है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे जो होगा वो हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं DHA मुल्तान की, कि कब लॉन्चिंग हुई उसकी, कब मार्केट में फाइल्स इशू हुई, कब उनका फर्स्ट बैलेट हुआ, उसके बाद प्लॉट जो है वो कब ऑन ग्राउंड आना स्टार्ट हुए, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई, और अब पोजेशन के हवाले से वहाँ पे क्या किन किन ब्लॉक्स में पोजेशन है, कौन से अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं और कौन से भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकी, उनके हवाले से थोड़ा सा हमें आइडिया दें। जी, आपके काफ़ी क्वेश्चन है, मैं वन बाई वन इसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर लूँ। DHA मुल्तान 2013 में लॉन्च किया गया। इनिशियली वन कनाल की फाइल्स आईं, तकरीबन इनको लैंड एक्विजिशन में तकरीबन 5 साल लगे। इन्होंने 2017 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। इसके साथ उन्होंने 5-10 मरला कनाल, 4 मरला इंस्टॉलमेंट पर दी है। और इसकी इन्होंने जो पहला बैलेट किया है वो 2019 में बैलेट किया था, जिसमें इसके 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 8 मरला, 2 कनाल प्लस 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स इन्होंने दिए, जिसमें सेक्टर ए से ऑनवर्ड स्टार्ट होके W ब्लॉक तक के हैं, जिसमें से मोस्टली जो 95% एरिया है वो 1 कनाल का है, 5% एरिया आपका इसमें 5-10 मरला और 8 मरला की लोकेलिटी में है। उसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, 5 मरला PT&V ब्लॉक 5 मरले के हैं सोलली, और इवन अब नई एडिशन हुआ है सेक्टर ई में कुछ पार्शली एरिया आया है। उसके अलावा 10 मरला एक्सक्लूसिव ब्लॉक जो B1 होता है जो टोटली है, और ये और यू में 10 मरला जो ब्लॉक है उसमें कनाल के साथ ये कटिंग है। इवन 10 मरला की कटिंग सेक्टर ई में भी आ रही है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे 1 कनाल के में हैं, और मैं 2 कनाल के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं, वो सिर्फ 2 ब्लॉक्स में हैं, वो सेक्टर ए में हैं और सेक्टर एन में हैं, और बड़े ही 0.01% उनकी क्वांटिटी है, तो उनके अपने ही रेट्स हैं, रेट्स के हवाले से भी बात करते हैं। तो DHA ने पहले जब बैलेटिंग करके सबसे पहले जो उन्होंने जो सबसे पहले बेस्ट काम किया कि उन्होंने 2019 में ही उनको सेक्टर एम को पहले पोजेशन दिया, फिर 20 में क्यू को, एंड फिर लास्ट में 21 में सेक्टर आर को पोजेशन दिया। उसके बाद सेक्टर एच को मिला है, फिर सेक्टर ए को, फिर सेक्टर आई को, इस ब्लॉक्स को पोजेशन मिल चुका हुआ है। ये इनसाइड रिंग रोड्स आते हैं। उसके अलावा जो बाकी ब्लॉक्स हैं उसमें
मैं अगर गिनत कर स्टार्ट करूँ सेक्टर ई, सेक्टर एफ, सेक्टर जी, सेक्टर सेक्टर एल, सेक्टर के, सेक्टर एस ओ W1, W2, X, Y, Z, सॉरी मैं अगर इसको सीक्वेंस में नहीं बता रहा, तो वो ये इनमें कुछ में जैसे उसमें से सिर्फ सेक्टर एन में इस साल और सेक्टर यू में पोजेशन आ रहा है, बाकी ब्लॉक्स में अभी इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की, उसमें जिसमें नहीं स्टार्ट की सेक्टर डी है, सेक्टर ई है, सेक्टर ओ है, सेक्टर एस है, सेक्टर वाई है, सेक्टर W1 है और W2 है। इस साल नेक्स्ट ईयर जिसमें पोजेशन मिल जाएगा उसमें एक्स ब्लॉक आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर DHA हर प्लान को नेक्स्ट ईयर बता देगा किस प्लान को किया है वो। अब वो उसको फैला रहे हैं, बेसिकली उनका मेन मकसद था कि पहले इसको रिंग इनसाइड द रिंग रोड इसको डेवलप करें, जिसमें उसमें सेक्टर एच, सेक्टर आई, सेक्टर एन, सेक्टर एम, सेक्टर आर एंड लास्ट यू है, इनको उन्होंने पहले पोजेशन दिया उसके साथ सेक्टर ए को। तो ये डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट्स हैं कि इसमें पोजेशन के हवाले से। अब पॉपुलेशन जैसे सेक्टर एम को ही सबसे पहले मिला है तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, और उसके बाद सेक्टर क्यू आता है और सेक्टर आर एंड एच, ए में भी पोजेशन आ चुका हुआ है। तो अभी पॉपुलेशन का सिलसिला जारी है, उसमें एन भी ऐड हो जाएगा, ए ऐड, आई भी ऐड हो चुका हुआ है। तो आपको इनसाइड रिंग रोड जो बॉस्टन रोड से स्टार्ट हो जाता है एच के साथ और मेडिटल की तरफ जाता है, तो DHA ने बाकी सराउंडिंग में DHA उसको उस तरह आबाद करेगा विद इन टाइम, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, इट विल टेक टाइम टू उसमें कि आपको डेवलप कर लें, सारा भी बना देंगे तो फिर उसका भी इश्यूज हैं कि वो पॉपुलेट होने में टाइम लगता है। तो जैसे इन्होंने थीम यही है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि इनसाइड मिडल में पोजेशन दे के चारों पॉकेट्स में पोजेशन आए। लोगों का अभी तो रुझान होता है सेक्टर बोस्टन रोड की वजह से, बोस्टन की तरफ से लोग आते हैं, तो वो लोग इधर बोस्टन रोड जो 300 फुट रोड के ऊपर ही ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के वाले से लोग मल्टीपल जगह पर करते हैं, 5-10 मरला कनाल एक कनाल में, जिस जहाँ पर उनका बजट हो एक्सेसिबिलिटीज के वाले से। सही। अच्छा सलमान भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब प्राइस फाइल्स लॉन्च हुई थी DHA मुल्तान की मार्केट में, जब लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त फाइल्स की प्राइसेस क्या थी, उसके बाद जब फर्स्ट बैलेट हुआ उसके बाद जो प्लॉट्स आए ऑन ग्राउंड उस वक्त उनकी प्राइसेस क्या थी, जिसने आपने हमें बताया कि 2019 में जो है इसका फर्स्ट बैलेट हुआ था, फिर उसके बाद हमने एक मार्केट ऐसी भी देखी जब हमें काफ़ी प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को भी मिली थी, तो ये प्राइसेस कहाँ तक हमें जाती हुई नज़र आई थी, पर्टिकुलरली अगर हम एक कनाल की बात करें तो वो कहाँ तक गई थी, और उसके बाद से जब से डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला है तो उसका जो ओवरऑल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो मुल्की हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसका क्या इम्पेक्ट आया इस पर ओवरऑल प्राइसेस के हवाले से मैं बात करूँगा, तो इसके हवाले से थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। पिछले में मैं इसको ऐसे प्राइस चार्ट को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली जो इसकी प्राइसेस आई थी 2013 में फाइल्स बड़ी लिमिटेड थी, तब जब इन्होंने लैंड एक्वायर करनी शुरू की थी तो उस टाइम को 2.5 मिलियन में स्टार्ट हुआ था, फिर ग्रेजुअली ये 5 लाख 10 लाख बढ़ता रहा, 2017 तक ये 5 मिलियन 6 मिलियन तक भी रेट फाइल का गया है। तो उस टाइम फिर इन्होंने जो अपनी लॉन्चिंग की है, इन्होंने 7.5 मिलियन का इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का प्लान दिया कि आप इसको 3 साल में करें, तो उससे बूस्ट भी आया चीज़ों को। उसके बाद जब बैलेट हुआ है तो बैलेटिंग के बाद आपके इनिशियली रेट बड़े स्कैटर्ड हो गए, कुछ लोगों को जो अच्छे प्लॉट्स निकले उनको तो अच्छे गेन भी मिल गए, यहाँ पर लेवल पर कईयों के नीचे भी आ गए, क्योंकि उस टाइम पर ये जो उन्होंने मोटर वाले इंटरचेंज नहीं बनाया था जो शाहरुख ने आलम गेट है, उस वजह से WX, Y, W1 वगैरह को काफ़ी डेंट पड़ा, लोग थोड़े डिस्टर्ब भी थे, उसी को ले DHA ने उसको उसी तरह भांप के मौके पर ही उसको क्लियर किया कि लोग इन ब्लॉक को भी डिग्रेड ना हो, कि लोग सबका फोकस बोस्टन रोड की तरफ ना रहे, इस तरफ भी लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आई चीज़ों में। फिर प्राइसेस में ऐसे 2020 में
यही तकरीबन 7-8 मिलियन तक यहाँ पर प्लॉट मिलते थे। 2020 में जब एमनेस्टी की स्कीम आई तो उसके बाद यहाँ पर पहले शार्प स्पाइक लाहौर में जो लोगों के से 5 मरला भी करोड़ से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो अभी ये अंडर वैल्यू था। तो लोगों ने लोगों ने भी उनको मोटिवेट किया तो कि आप इधर मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको 5 मरला मिल जाता है, यहाँ पर 1 कनाल मिल जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यहाँ पर यही वो 60 वाला प्लॉट अल्टीमेटली 1 करोड़ 10-15 पर गया, जो 90 वाला प्लॉट था वो 41 पे गया है प्राइसेस के वाले से। उसमें पोजेशन नॉन पोजेशन उस लेंथ में नहीं जा सकते, वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये 40-50 तक को भी टच किया है इसने मुल्तान ने, और जो मिनिमम 90 तक भी रेट्स वहाँ पर गए हैं। बेल्टिंग वाली फाइल्स भी थी, उसमें भी बेल्टिंग वाली फाइल्स की हम बात करते हैं उसमें। तो अभी जो प्राइसेस का ट्रेंड है ये है कि अभी आपको 2-3 मिलियन का इस टाइम डिप देखने में मिला है प्राइसेस में ओवरऑल। कहीं पर कोई 3.5 पे भी है, लेकिन उसकी लोकेशन बड़ी ऑड होती है, वो लोकेशन की वजह से मार खा रहा है। प्रॉपर्टी में आपको पता ही एक प्रिंसिपल रूल है कि लोकेशन जिस लोकेशन आपकी ब्लॉक की भी बड़ी मैटर कर रही होती है, खाली प्लॉट के अलावा भी। तो वो चीज़ें मैटर करते हुए इस टाइम प्राइसेस का ट्रेंड जो हर सोसाइटी के साथ हुआ है, सिर्फ DHA के साथ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अनबिलीवेबली ज़्यादा ओवरसीज इवन लाहौर कराची पाकिस्तान सब इन्वेस्टर ने यहाँ पर इसको कॉन्फिडेंस करके इसमें इन्वेस्ट किया है। वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अभी जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़े से आपको पैनिक दिखाई देते हैं। हमने जिसको लेके दिया 1 करोड़ का प्लाट है, अब वो 80 का हो गया, वो नहीं बेच रहा। पैनिक वो है कि यार मैंने इधर से जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने इसको इसे बिजनेस बना लिया हुआ है, बिजनेस इन द सेंस के जी किसी यहाँ से अर्निंग करके किचन भी चलाना है, वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पर 80 का बिक रहा है तो हम कहीं और पर बेच रहे हैं। वो पैनिक होकर बेच रहे हैं लोग, और नो डाउट अभी जाहिर बात है जब मार्केट ठंडी होती है तो लोग नहीं बाय करते, लेकिन जब बाय ये चीज़ें हैं पैनिक लोग वही हैं जिस वजह से आपको नज़र आ रहा है प्राइसिस में डिप। हाँ, इसमें कई किसी की मजबूरी भी होती है, किसी को अर्जेंट अदर देन प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई फंड चाहिए होते हैं तो वो करते हैं ऊपर नीचे करके। तो ये प्राइसेस का अभी 2-10 साल का लास्ट ट्रेंड है चीज़ों में। वहाँ पर अब तकरीबन इस टाइम कोई 5.5 मिलियन से ऑनवर्ड 1 करोड़ 10-15 तक रेट है। इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत ही हाइलाइटिंग फीचर है, रोमांजा गोल्फ कोर्स DHA मुल्तान ने जो है उसको लॉन्च किया, और एशियाज लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स आप में वहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आइडिया दें कि वो कैसी कम्युनिटी है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है ओवरऑल DHA मुल्तान की मार्केट पे। देखिए, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अगर आप किसी गोल्फर से पूछें, अगर उसने थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी गोल्फ में क्लब में जाके उसको गोल्फ खेलता है तो वो आपको बताएगा कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं वो आप किसी और किसी पाकिस्तान के गोल्फ कोर्स में नहीं है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। उसमें उससे इम्पेक्ट आया है, वो लोगों ने उसमें आया है, लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, मैचेस भी शुरू हो गए हैं, जिससे ओवरऑल मुल्तान की कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पर लोग आएंगे, कुछ चीज़ें हैं उसमें करने वाली, जो होटलिंग की मसले मसाइल थे उन्होंने DHA ने अंदर ही उसके अंदर ही अब होटल बना रहे हैं 5-स्टार स्टैंडर्ड का, ताकि वो चीज़ें आती हैं। ये एक बड़ा गेम चेंजर है, उसकी वजह से आपका आप ये देखेंगे अगले 1-2 सालों में जो ओवरसीज़ प्लेयर भी आके यहाँ पर रुकेंगे, उनका इश्यूज आते थे ये चीज़ें, तब वहाँ पर ओवरसीज़ भी आके रुकेंगे, यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो गए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि DHA मुल्तान में रोमांजा है, रोमांजा मुल्तान में आते हैं तो वो एक मुल्तान का एक आइकॉनिक, जैसे पहले इनके आपके वहाँ पर दरबार हैं तो वो मशहूर है, उसके अलावा ये एक आइकॉनिक चीज़ मुल्तान में रोमांजा बन चुका हुआ है। उसमें इन्होंने प्लस एक एलीट हाई स्टैंडर्ड आपको कम्युनिटी अंदर दी है, गेटेड कम्युनिटी, जिसमें 10-12 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स आपको दिए थे इंस्टॉलमेंट पे। उन्होंने जितना अनबिलीवेबल गेन किया अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो कुछ किसी ने नहीं किया। वहां पर मैंने प्राइसेस 4 करोड़ 8 करोड़ पे होते भी देखी है और विद इन अ ईयर देखी है, और वो उस तरह नीचे नहीं आए क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है। तो वो हमेशा बूस्ट करता रहेगा इसमें लोग रोमांजा में, उसके प्लस सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं उसमें वो करता रहेगा।
अच्छा, इसमें जो रिंग रोड है जिसने आपने बताया कि डीएचए मुल्तान का भी टारगेट यही था कि जो इनर साइड रिंग रोड के जो ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले उन पे काम, डेवलपमेंट का काम भी किया, पोजेशन पे भी आप उन्हीं ब्लॉक्स की तरफ गया, डीएचए मुल्तान की जो मैनेजमेंट थी, तो उसमें आप रिंग रोड की क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं कि वो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है डीएचए मुल्तान की, मुल्तान सिटी के साथ कह लें या इन साइड डीएचए मुल्तान अगर आप बात कर लें, तो क्या इंपॉर्टेंस का आप कह लें कि वो हामिल रहे रिंग रोड जो है डीएचए मुल्तान के अंदर? देखिए, वो मैंने जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिंग रोड का कंसेप्ट ये है कि जो ब्लॉक्स सर्कल के अंदर आते हैं उसको इनसाइड रिंग रोड ब्लॉक्स कहते हैं। उसमें सेक्टर एच आई एन के एम क्यू आर एंड यू ब्लॉक्स हैं। उसको इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो उसके चारों कॉर्नर्स को टच करता है, उसमें वहाँ से ही एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है। बोस्टन रोड हो गया, इवन जो एमपीएस रोड इन्होंने स्टार्ट किया है जो मॉडल टाउन से आएगा, मेटिटल रोड हो गया आपका, शाहरुख ने आलम वाला 300 फुट रोड बुलेवर्ड, उधर से ही कनेक्टेड है। इन्हीं का कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर आबादी यहाँ पर बढ़े तो एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर लोग आएंगे तो आपको चारों कोनों से आबादी मिले आपको। उससे फ़र्क क्या होगा कि बजाय कि डब्ल्यू वन को एंड पे फ़ायदा हो, उसकी सराउंडिंग में जब एक्स क्या एक्स में घर होंगे तो डब्ल्यू वन वाला भी मोस्ट होगा। उस हवाले से रिंग रोड का कंसेप्ट यही था कि इसका इफेक्ट चारों तरफ आए, किसी ब्लॉक को वो फ़र्क ना आ जाए कि ये पीछे जाता है। उसने उनको उसको इसीलिए बैलेंस करने की कोशिश की है कि हर जगह से ही उसको फ़ायदा हो, और उसका इम्पैक्ट आएगा जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी। मुल्तान में आबादी हो रही है, लोग का लोग इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से अब थोड़ा सा रुके हुए हैं, नहीं तो कॉस्ट तो आपकी प्लॉट इस तरह का प्लॉट आपको आपके मॉडल टाउन में, आपके कैंट में और आपके जो वाबला टाउन में इस प्राइस पे तो नहीं मिलता जिसमें आपको अब 1 करोड़ रुपये में पोजेशन वाला प्लॉट मिल रहा है। और वहाँ पर जो फैसिलिटीज अमेनिटीज डीएचए अंडर यूटिलिटीज और अमेनिटीज जो डीएचए दे रहा है, स्कूल पार्क्स की और जो आपकी कमर्शियल की है, वो आपको कहीं नहीं मिलनी। जितने बड़े उन्होंने प्लान किए हैं कमर्शियल मिले वर्ड पर 300, उन्होंने कितने सब ब्रांड से बात की हुई, डॉलमैन से अल फतेह हो गया, स्कूल्स के हाई जो हैं सारे एलजीएस से लेके स्कार्स से लेके सब से बात हो रही है। टाइम लगता है इसमें चीज़ों का, हम प्लस हम चाहते भी यही हैं कि सारी चीज़ ओवरनाइट हो जाए, हमने आज 50 लगाया तो वो अगले साल 2.5 करोड़ हो जाए, हो भी जाता है समटाइम, लेकिन अगर वो एक वो वन ऑफ ऑप्शन होती है। लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली अगर आपने 5 साल 50 लगाया तो 5 सालों बाद उसने 2.5 पे हो ही जाना, तो इस वाले से रिंग रोड की इम्पोर्टेंस है, आउटसाइड को भी वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, एक तो वो ब्लॉक्स हैं जिधर जहाँ पे हमें पोजेशन अवेलेबल है वहाँ पे भी मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हमें प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगी इनमें भी हमें प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, बट आउटसाइड द रिंग रोड जहाँ पे भी पोजेशन अवेलेबल नहीं है या जो ब्लॉक्स अंडर डेवलप्ड हैं या जिधर अभी डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई, कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि आप उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, चाहे अभी वहाँ पे पोजेशन अवेलेबल नहीं है या अंडर डेवलप्ड है या अभी डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो आप रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? उसका बड़ा लॉजिकल सा जवाब है, वो ना पसंद पसंद अपनी जगह, जहाँ जहाँ बुलेवर्ड मेन्स एक्सेसिबिलिटी है उसमें आप देख लें, सेक्टर आई एक्स और वाई है, इधर से सेक्टर यू है, सेक्टर ओ है, उधर सेक्टर डी है, एंड बी टू तो अब ख़त्म हो गया, वह कुछ लिटिगेशन के इश्यूज थे, उनको पोजेशन नहीं एक्वायर होता तो सेक्टर ई हो गया। ये ब्लॉक्स हैं क्योंकि जहाँ से भी आपने एंट्रेंस है यही ब्लॉक्स एंट्रेंस में हैं और यही अभी डेवलप नहीं हुए, तो इसमें प्लस ये एक और एडवांटेज है कि पोजेशन ब्लॉक में आपको 21 लाख रुपया लमसम में देना पड़ेगा। अभी उन्होंने एक फिर डीएचए ने आपको फैसिलिटीज दी है 1 साल के लिए कि अगर आप पोजेशन वाले ब्लॉक्स में घर बना लेंगे तो आपको 21 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे, और उसका उस इस और इसमें प्राइस का फ़र्क है, लॉन्गर रन में एक्सेसिबिलिटी वाले ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल एक्स वाई और आपका डी ब्लॉक और सेक्टर ओ ब्लॉक की वही रेट्स होंगे जो आपके अंदर वाले ब्लॉक्स में हैं। देखिए, लेकिन अगर आपने घर शुरू करना है 1 साल में या अभी, आप फिर इनसाइड रिंग रोड को ही कंसीडर करें क्योंकि आबादी वहाँ पर हो गई है। आप वो जो पहले उन्होंने 1-2 साल वेट दो लोग देखते हैं कि जी मेरी गली में घर शुरू हो जाए, फलां 10 घर बन जाए, वो उस फेज से गुजर चुके हुए हैं। और आप अपना घर बनाना चाहते हैं 5 मरला 10 मरला कनाल, हर ब्लॉक में पोजेशन अवेलेबल है,
पांच मरले का भी इधर सेक्टर वी में आ जाएगा, आठ मरला तो आ चुका। तो हर कैटेगरी हर साइज में पोजीशन है। आप घर शुरू करें, घर आपको आपकी प्राइसेस आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा और गली मोहल्ले वाली प्राइस से भी कम पे आपको प्लॉट मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप चाहे मुल्तान के कोने में बना लें या मुल्तान के हार्ट में बना लें या डीएचए मुल्तान में बना लें, वो मोर और लेस सेम ही रहेगी। दो चार पाँच लाख का फर्क आएगा, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड आपको डीएचए मुल्तान दे सकता है, आप इमेजिन करें हैं कि आप गली मोहल्ले में भी चल जाए, वहाँ पर 10 लाख रुपये का प्लॉट है पाँच मरले का, लेकिन आपको यहाँ पर अभी प्राइसेस है आपको यही प्लॉट को तकरीबन को 6 से 7 लाख रुपया मरला में भी मिल जाता है। बाउंड्री में चले जाएंगे तो 6 से भी 5 के भी चांस हो सकता है 5 लाख पर मरला मिल जाएगा, इतने में वो नहीं मिलता। फिर वही खंबा सिस्टम, वही चीज़ें, वो गली, फिर कार रोड टूट जाए, कोई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई पार्क्स हैं, छोटी रोडें हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती दो, तो वो मसले मसाइल रहते हैं। तो आप क्यों ना आप डी एच एम में अपने बच्चों के लिए प्लॉट लें कल उसमें, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। जसमान भाई, लेट्स सपोज मैं आज डीएचए मुल्तान में अपना घर बना लेता हूँ, तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी क्या इस लेवल की हो चुकी है कि मतलब मैं अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो मेरी चीज़ें हैं, जो ग्रॉसरी है, वो मुझे इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो, या मुझे अभी भी जो है सिटी की तरफ ही मूव करना पड़ेगा सारे मामला? देखो उसमें ना, इसमें ये है कि आप एम ब्लॉक में 200 से ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं, वहाँ पर लिवेबिलिटी है, लोग रह भी रहे हैं, लेकिन प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं। वो मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग भी थी कि यार इतना पोजेशन डेवलप होने की वजह से रेट्स कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कम हुए हैं, तो क्यों हुए हैं? एटलीस्ट चलो नॉन डेवलप सेक्टर का तो समझ में आता है कि आपका रेट वहाँ पर कम हो सकता है, लेकिन पोजेशन वाले एरिया में भी कम हुआ है। तो उसकी मेन वजह यही थी कि अभी कमर्शियल नीड्स वहाँ पर नहीं आई। उसका जो मेन आपको अभी तो फिलहाल अंदर ग्रोसरी स्टोर उस लेवल के नहीं है, छोटा मोटा टक शॉप की तरह ही है, आपको ग्रोसरी बाइट्स ही करनी पड़ती है। डीएचए उसी पर, डीएचए को बिल्कुल अंदाज़ा है उस चीज़ों का, वो उस पर वर्कआउट कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अलफते से भी ये किया है। टाइम लगता है वो अलफते को भी चीज़ों का, तो वो प्रोजेक्ट्स ना बनने में उनके साथ ये नहीं है कि उन्होंने 2 मरले का या 4 मरले का प्लाजा लेना है, उनको उन्होंने एकड़ में जगह दी है जो उन्होंने डेवलप करना है, कि बजाय मुल्तान के पूरा मुल्तान शहर इधर आके ग्रोसरी करेगा, यहाँ पर वो जो ब्रांड्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, वहाँ पर ये ही कमर्शियल आप बन जाएगा पूरा मुल्तान में, बस टाइम की है। उसमें आपको जो इनिशियल जो देखेंगे, जैसे ही डीएचए ऑफिस सेंट्रल स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस साल में हो जाएगा, फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली बैंक्स आएंगे, खाना पीना भी आएगा, डीलर भी आएंगे, डीलर अभी बाहर भी बैठे हुए सारे अंदर आ जाएंगे, तो आपको वहाँ पर फिर लोग आएंगे जाएंगे, पेट्रोल पंप भी हैं, चीज़ें, तो लाइफ आपको ये कमर्शियल एक्टिविटी भी आनी शुरू होगी। और अगले साल आप जब इस टाइम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो हम बात कर रहे हैं, कि जो एक आम रेजिडेंट को चाहिए कि यार मुझे ब्रेड भी लेनी हो तो यार मेरे ब्लॉक के अंदर से ही मैं जाऊं बजाय कि मैं ये करूं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। अब जिसने आपने एक बात की कि जिस लेवल की हमें यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मुल्तान सिटी से ही लोग यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करेंगे, हमें इस लेवल का वहाँ पे जो है सारा मामला देखने को मिलेंगे, इसी से मेरे माइंड में क्वेश्चन मतलब ये है कि वहाँ पे हमें फीचर्स और कैसी इम्यूनिटीज़ इस कमर्शियल एक्टिविटी से हट के क्या डीएचए मुल्तान हमें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, इसके वाले से थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। उसमें फिजान, इसमें उन्होंने इसके लिए साउथर्न पंजाब में टॉप ऑफ द लाइन जू बनाया उन्होंने, उसके अलावा तकरीबन 25 एकड़ का कश्मीर पार्क सेक्टर यू में बनाया। आपको इवन मैं डीएचए लाहौर में भी साइज का कोई पार्क नहीं है, अभी बादी नहीं है। डीएचए लाहौर में ट्रेंड है कि 50% से ज़्यादा बादी हो तो वो पार्क को डेवलप करते हैं, मस्जिद तब बनाते हैं, कमर्शियल तब आती है, इन्होंने इसी यही था। प्लस जो इन्होंने प्लान किए हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी है, पार्क्स भी है, आपके हॉर्टिकल्चर एरियाज भी हैं, प्लस आपके इसमें आपको थीम पार्क्स हैं मजीद सेक्टर जी के लिए हैं, वो टाइम साथ चलता है, वो चीज़ें वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए। और इस वजह से आप जू में चला जाएं तो आपको रश ऐसे होता है कि आता नहीं है, लोग आते हैं,
बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट ही नहीं है। मुल्तान साउदर्न पंजाब में यही तो इश्यूज़ है कि वहाँ पर ये जो हमारे पास लाहौर इस्लामाबाद वाली फैसिलिटीज़ हैं खाने पीने की, सैनमाज की, इंटरटेनमेंट की, वहाँ पर वो नहीं है। तो मुल्तान को बिल्कुल रियलाइज करके इसीलिए उन्होंने अपना पूरा बुलेवर्ड 304 रोड का इन्हीं के लिए ही रखा हुआ है। तो डेफिनेटली बिजनेसमैन देखता है कि एक बादी हो जाए। आज 2023 है, 2028 तक 5 सालों में आपको वही पूरा मुल्तान सिटी DHA मुल्तान में आके ही सर उसे वन एक बुलेवर्ड पर ही सारी ऑप्शंस मिलेंगी, पार्किंग की फैसिलिटीज़ की, लोग मूव होंगे। कुछ लोग का एक ट्रेंड भी होता है कि यार जितनी देर आबादी नहीं होगी हम मूव नहीं होंगे। तो जब जैसे जब आबादी होगी जब, लेकिन उनके लिए ये मसला फिर होगा, यही प्लाट जो 2 करोड़ 1 करोड़ का है वो फिर 3 करोड़ का खरीदेंगे, लेकिन तब खरीद लेंगे। लोगों की आदत होती है कि जी हम तब मूव करेंगे जी आबादी हो, रौनक मेला हो। तो तब तक आपके गेम आपकी प्राइस में आपके हाथ से निकल चुकी होती है। जिसने आज इन्वेस्टमेंट की होती है वही फ़ायदा उठाता है। अच्छा, सेंट्रल स्क्वायर और पाकिस्तान स्क्वायर के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनके हवाले से हमें थोड़ा सा आइडिया दें कि लोकेशन के हवाले से ये बाकी सारे जो इसके सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आता है इसका, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये दोनों आइकॉनिक कमर्शियल हैं, उनके पहले तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो सेंट्रल स्क्वायर को करेंगे क्योंकि DHA ऑफिस खुद आएगा। पूरे DHA में अगर जो छोटी कटिंग के कमर्शियल हैं DHA ने, उसमें सिर्फ सेंट्रल स्क्वायर में देंगे, बाकी तो वो ब्रांडेड कमर्शियल्स हैं जिसमें वो उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी होंगी, चीज़ों की होंगी, वो एकर्स में है। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो सेंट्रल स्क्वायर ही है। उसका प्राइस का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अंदर सेक्टर में आपको 8 मरला उससे आधी कीमत में मिल जाता है। सेंट्रल स्क्वायर में गिनती के प्लॉट हैं, 304 रोड के ही अप्रोच के ही पैसे होते हैं। 304 रोड पर कमर्शियल छोटे नहीं हैं, इसलिए ही नहीं दिए क्योंकि बड़े कंसेप्ट उनका कंसेप्ट है बड़े कमर्शियल चीज़ों का, इसलिए सेक्टर कमर्शियल में छोटे उन्होंने कमर्शियल दिए हैं 4 मरला 8 मरले वाले। जो सेंट्रल स्क्वायर में 8 मरला दिए हैं जो वो रख लेंगे वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो 3 गुना प्राइस पर आज से 3-4 साल बाद मिलने हैं, क्योंकि तब तक वो पॉपुलेट भी हो चुके होंगे, वहाँ पर रेंटल नीड्स भी होंगी, ब्रांड भी आएगा, KFC भी कहेगा यार मैं इधर ही खोलूँ, चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी के ही पैसे होते हैं, कमर्शियल की रेंट्स भी मिलते हैं। तो सेंट्रल स्क्वायर एक वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल है DHA मुल्तान में सो फार। अभी वहाँ पर मेन फेसिंग फाउंटन जो 304 रोड पर है वो आपको इस टाइम भी 9 करोड़ से प्लस में मिलते हैं। इन बाहर वाली साइड जो 300 फुट की बैक साइड पर है वो वाले आपको तकरीबन कोई 8 की रेंज में अभी अवेलेबिलिटी आ जाती है, जिसमें सेक्टर N वाली साइड सेक्टर K, सेक्टर I और सेक्टर M है। सेक्टर K और N अभी इन्होंने दिए, I और M में भी देना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप ऐसा यूनिक कमर्शियल लेना चाहते हैं जिसमें आपका रेंटल यील्ड का मसला ना हो और अच्छे पैसे दे, तो ये आपके लिए ये वाली ऑप्शन 8 मरला कमर्शियल की है। पाकिस्तान स्क्वायर में अभी उन्होंने उसको अभी कमर्शियल की डील नहीं दी, अभी वो DHA के पास रिजर्व्ड है। मेरे ख्याल से वो अभी 1-2 साल लगेंगे उसको मार्केट, क्योंकि मार्केट भी अभी स्लो है तो अभी वो ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बारी तकरीबन 2 साल बाद उसकी भी आ जाएगी। अभी करेंटली मार्केट में फाइल्स भी चल रही हैं DHA मुल्तान की, वो उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक कैसी ऑप्शन है करंट मार्केट में जो अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, क्या हमें फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए DHA मुल्तान की? देखिए, उसमें आपको एक फाइल्स के प्रोज कॉन्स में ये है कि फाइल्स में आपको लोकेशन नहीं पता होती, तो आपको ये सर्टन नहीं है कि आपको हाई रेंज में मिलना है, मिनिमम रेंज में मिलना है या मीडियम रेंज में मिलना होता है। अगर आपको आपकी तसल्ली नहीं है लोकेशन की तो आप प्लॉट में जाएँ, लेकिन आप चांस लेना चाहते हैं कि यार मेरे पास 5.5 मिलियन या 6 मिलियन के पैसे हैं, 60 लाख है और मैं अच्छा प्लॉट चाहता हूँ, मैं चांस ले सकता हूँ, तो आप फाइल खरीदें जिसमें आपको 80-85 वाला प्लॉट भी मिल सकता है। अगर सेक्टर D में मिल गया, पोजेशन में तो बहुत कम चांस है, वो मिल सकता है आपको प्लॉट वहाँ पर भी, ये आपकी लक है और मिलता भी है, लेकिन लोग चांस नहीं लेते। और एटलीस्ट वो आपके जो मिनिमम प्लॉट से रेट से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा लोग रिस्क ले देखते हैं कि जी W1 में ना लग जाए, W2 में ना लग जाए, जो इस टाइम लोस्ट पर हैं, तो वहाँ पर 90% तो प्लॉट ऑलरेडी DHA ने सेकंड बैलेट में दे दिया है। ये आपका अक्टूबर या नवंबर में इसका बैलेट है, थर्ड बैलेट की फाइल्स का,
तो आप उसमें एक और एडवांटेज आपको होगा, अगर आप प्लाट खरीदते हैं डेवलप तो 21 लाख साथ देना पड़ेगा, दूसरा अगर सेमी डेवलप या नॉन डेवलप देखते हैं तब भी आपको 12,25,000 हो चुका हुआ है जो आपने देना है ऑन टॉप ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। तो आपको ये भी एडवांटेज होगा कि 21 लाख आपको 3 सालों में पे करने का मिल जाएगा और आपका लिमिटेड टाइट बजट है 60 ही है पॉकेट में। तो एक मैं यही रूल आपका 5-10 मरले में अप्लाई होता है, 5-10 मरला ई ब्लॉक में आ गया वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, ई ब्लॉक में चांसेस हैं कि अभी 5 मरला ई में लगेगा, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, 10 मरला में भी 2 ब्लॉक्स हैं, उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट नहीं हो रहा बजट तो आप फाइल खरीदें, आपका यू में लग गया पोजेशन वाला प्लॉट है, B1 में भी लग गया तो पोजेशन वाला प्लॉट है चीज़ों का, उसमें अगर आप अच्छा लोकेशन देते हैं तो फाइल से ऊपर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर फाइल में जाते हैं तो प्रीमियम के बगैर भी आप अच्छी लोकेशन खरीद सकते हैं। फाइल का ये सिंपल लॉजिकल है। अब ये हमारे एंड यूज़र ने सोचना है कि वो किस तरह का है, हर एक की अपनी डिफरेंस होती है, लो रिस्क में लोग जाना चाहते हैं या हाई रिस्क में जाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से हम जो हमसे डिस्कस करेगा हम उसको उस हिसाब से गाइड कर देंगे। सलमान जी, मेरा आपसे एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास करंट मार्केट में बहुत सी ऑप्शंस हैं डीएचए मुल्तान, और डीएचए में अगर देखें तो बाकी सिटीज़ भी हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वाई डीएचए मुल्तान, आप इसके वाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज की हमारी जो जितनी भी डिस्कशन है इसका कोर क्वेश्चन यही है कि आप डीएचए मुल्तान में क्यों इन्वेस्ट करें, आपके पास लाहौर में भी ऑप्शंस हैं चीज़ों का, आपके पास क्वेटा बहावलपुर, तो क्यों आप डीएचए मुल्तान को इन्वेस्टमेंट करें? देखिए उसमें हर एक की अपनी थ्योरी है, वो उस लॉजिक है। देखिए उसमें मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि आपको 50 लाख रुपये में 60 लाख रुपये में डेवलप प्लाट तो नहीं मिलता लाहौर में, तो आपको वहाँ पर करोड़ रुपये का 5 मरला नहीं मिलता। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको मुल्तान ही चूज़ करेगा, मुल्तान की में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं और आपको इवन भावलपुर में भी नहीं मिलती, वो फीचर्स में बहुत अच्छा है जो आपको मैंने अभी जितनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं तो वो भावलपुर में नहीं मिलती। लाहौर में कंपैरिजन में ये है कि आपको इस बजट में डेवलप प्लॉट नहीं मिलता, फेज 6 में 2.25 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट है, डीएचए टाउन में भी 5 मरला का प्लॉट इतने का है, आपको उस तरह की 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। तो आपको मुल्तान में वहाँ पर पॉपुलेशन नीड्स आनी आनी है चीज़ों के लिए है ना, मुल्तान सिर्फ खाली मुल्तान सिटी को नहीं सर्व कर रहा, वो पूरे साउदर्न पंजाब को सर्व कर रहा है। लोग इवन जो आपकी राजनपुर वाले की साइड रहीम यार खान लास्ट बॉर्डर से भी आगे जो सिंध के भी हैं उनको भी यही लोग इधर लोगों की इन्वेस्टमेंट है, शिकारपुर तक के भी लोग कह रहे हैं इस तरह की सोसाइटी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर लें, क्योंकि कराची जाते हैं तो वो तो इतने में तो वहाँ पर 1 मरला नहीं आता चीज़ों का उनके लिए, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ना इसका कंपैरिजन लाहौर से है, ये 400 किलोमीटर दूर है, उसका एक मुकाबला नहीं है। लाहौर आपके बजट से बाहर हो चुका हुआ है डेवलप एरिया, वो उसमें आपको 2.5-3 करोड़ गेम स्टार्ट हो जाती है, अब करोड़ में कनाल नहीं आता, यहाँ पर आता है। आप घर बनाना चाहते हैं, ये एंड यूज़र के लिए भी बेस्ट है, साउदर्न पंजाब पूरे के लिए, आप मल्टीपल घर बना के रेंटल के लिए भी जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेस्ट ऑप्शंस है। प्लस जो लास्ट ओवरसीज हमारे हर एक ने घर नहीं बनाना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में है, देखिए मैं उनको बात कहूँगा कि ये भी कल मैंने कहीं किसी और के लिए की है, जो चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है उसके लिए आप वरी ना करें, मकदी तौर पर डीप आ गया आपकी प्राइसिस में लेकिन ऑन ग्राउंड है, अगले 2-3 सालों में ये पे ऑफ करेगा। ऑन ग्राउंड चीज़ एक हद तक नीचे जा सकती है, पॉपुलेशन आते वो ना करे, और जो लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहते हैं यार 50 लाख रुपए में कनाल आ जाए और अच्छी जगह पर आ जाए, और वो और ये भी गारंटीड है कि इन्होंने दूसरे डीएचएस की तरह टाइम नहीं लगाना कि 25 साल लग जाएंगे कि यू करते हुए, ये अगले 2-4 सालों में इन्होंने पूरा मुल्तान डेवलप कर दिया है। मैं आपको उसकी मिसाल दूँगा, लाहौर में प्रिज्म को भी 8 साल लगे, ये प्रिज्म से भी बड़ा है और ये इससे ज़्यादा पॉपुलेट हो चुका हुआ है,
चीज़ों का और उससे ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है चीज़ों का, तो मुल्तान की मैनेजमेंट में विल है और वो करके दिखाएंगे। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि छक्का लग जाए, सिक्योरिटा में तो छक्का लग गया था, उस तरह का नहीं चाहते और सेफ सेफ एंड सिक्योर चाहते हैं, फिर वो गिरा तो फिर लोगों के आंखों के तारे भी नज़र आ गए कि जी यार ये तो 1,40,00,000 वाला अब तो 1,40,00,000 पर आ गया है। उस तरह का तो नहीं मुल्तान में हुआ। आपके लिए बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है, तो आप मुल्तान को अपनी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 25% हिस्सा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा मुल्तान में लगा दें, लेकिन एक्चुअली मुल्तान में आप कुछ हिस्सा अपनी पोर्शन का रख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, सलमान भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जो चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है उस पर फिर जो है वरी करना नहीं बनता। जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, जो भी मार्केट में इस वक्त डिप चल रहा है, वो आपको जो है पे ऑफ लाजमी करेगा। साल दो साल लग सकता है, ये अनसर्टेनिटी जैसे ही ख़त्म होगी, मुल्की हालात बेहतर होंगे, सारी चीज़ें डेफिनेटली अप्रिशिएट होंगी। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है कि आपसे आपके जो भी DHA मुल्तान से रेलिवेंट क्वेश्चन थे उनको हम आपको जवाब दे सकें, और एक ओवरऑल जो एक जनरल ओवरव्यू था DHA मुल्तान का वो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो DHA मुल्तान में आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, आप सलमान भाई से एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनसे रابطہ करें, और हमारे YouTube चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।